गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेक आउट योर एसआर बुक एंड ओपन एसआर 10 ऑफ ओके। तो टुडे वी विल रीड वर्ड्स विद वोवल ओ विद मैजिक ई। तो लेट्स रीड वर्ड्स एच ओ एल ई होल होल रोप रोप कोन कोन वोट वोट कोड कोड रोल रोल डोज डोज। तो देखिए इन वर्ड्स में आपके सभी वोवल क्या है, ओ है, सभी में ओ वोवल है और विद मैजिक ई लास्ट में जो है वो वर्ड्स के एंड में कौन सा जो है वो लेटर है ई। तो इसे कैसे प्रोनंसिएशन जो है वो चेंज होती है ओके। तो विद मैजिक ई के इस यूनिट में हमने सभी वर्ड्स मैजिक ई के ही पढ़े हैं। वोवल्स वर्ड्स विद वोवल अ पढ़ चुके हैं, वोवल आई भी पढ़ चुके हैं, नाउ वोवल ओ। रोज द मोल वॉक अप, शी लुक्ड आउटसाइड द होल, रोज स्पॉटेड अ नोट, द नोट सैड कम टू द पार्टी, रोज गॉट ऑन ए बस, शी रीच द पार्टी, शी डांस्ड एंड सैंग इन हैप्पी टोन। तो ये स्टैंजा आपने रीड करना है, इसमें से मैजिक ई के जो वर्ड्स है वो आपने फाइंड आउट करने हैं। देखिए जैसे रोज है ओके। नेक्स्ट लेट्स रीड वर्ड्स विद वोवल यू। क्यूब क्यूब ट्यूब ट्यूब। ये देखिए अगर ही ई हटा दो तो क्या बन जाएगा, टी यू बी टब, लेकिन मैजिक ई लगाने से क्या बन गया ये ट्यूब। क्यूट क्यूट म्यूट म्यूट ट्यून ट्यून म्यूल म्यूल ओके। नेक्स्ट आपका स्टैंजा गिवन है ड्यूक वाज ए कूल ड्यूट। तो इसे आप स्टैंजा रीड करना है और ट्राई टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स विद वोवल यू एंड मैजिक ई ओके। ओपन द नेक्स्ट पेज एसआर 11 एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। तो देखिए हम जो है वो एडजेक्टिव्स भी वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स एंड आल्सो अबाउट एडवर्ब्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव। एडवर्ब्स डिस्क्राइब एक्शन। एडवर्ब जो है वो हमारे एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। बट एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन। एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जैसे टॉल बॉय थिन बॉय ह्यूज एलिफेंट रेड वैन रेड फ्लावर बिग मग बिग लॉयन ओके। तो ये सभी क्या है हमारे बॉय नाउन वैन नाउन मग नाउन। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं नाउन के बारे में, नाउन व्हाट इज नाउन, थिंग ऑफ एनिमल प्लेस पर्सन, किसी का भी नेम हो, कोई वस्तु का नेम है, कोई एनिमल का नेम है, कोई पर्सन का नेम है, तो उसके बारे में जो बताते हैं वो क्या होते हैं एडजेक्टिव्स। एंड व्हाट इज एडवर्ब, जो हमारे एक्शन को बताते हैं। ईट स्लोली, खाना खाने का काम हो रहा है, ईट एक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है धीरे धीरे। टॉक टॉकिंग हो रही है, बातें हो रही है, कैसे हो रही है जोर जोर से लाउडली एट ए लो वेरी हाई स्पीड। जंप कूदने का काम हो रहा है, कौन से जंप है हाई जंप ओके। तो यहाँ पर जो है वो एडवर्ब, देखिए एड प्लस वर्ब, एड प्लस वर्ब मीन्स वर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है ओके। और एडजेक्टिव्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स की लिस्ट है जो आपने यूनिट में पढ़ी भी होगी, हॉट कोल्ड बिग स्मॉल ओल्ड न्यू ठीक है ना, हॉट वाटर कोल्ड आइसक्रीम बिग लॉयन स्मॉल रैट ओल्ड मैन न्यू क्लोथ्स वेट क्लोथ्स ड्राई लीव्स स्लो टॉर्टोइस ओके। तो ये आपके जो है वो एडजेक्टिव्स हैं। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट ओपन वर्कशीट 15 ऑफ योर वर्कबुक इस यूनिट की।
एडवर्ब्स की एक्सरसाइज है, देखिए अंडरलाइन द वर्ब एंड सर्कल द एडवर्ब। वर्ब के नीचे अंडरलाइन करेंगे, एडवर्ब को सर्कल करेंगे। सिंस इट इज़ लेट एट नाइट आई वॉन्ट टू स्लिप। सिंस मिस क्योंकि, क्योंकि रात को अब लेट हो गया है, आई वॉन्ट टू स्लिप मैं सोना चाहता हूँ। तो क्यों सोना चाहता है, क्योंकि रात हो गई है, लेट रात हो गई है, तो रीज़न हो रहा है ना यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो ये सिंस क्या है आपका एडवर्ब, रीज़न बता रहा है क्यों सोना चाहता है। और काम क्या हो रहा है यहाँ पे सोने का, तो ये क्या है स्लिप जो है वो वर्ब है। ओके ऐसे ही आपने एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट देखिए करेक्ट एडवर्ब हैंस और सिंस। हैंस मीन्स इसलिए, हैंस मीन्स इसीलिए, सिंस मीन्स क्योंकि। ठीक है देखिए डैश शी वर्क्स हार्ड शी गेट्स गुड मार्क्स। क्योंकि उसने मेहनत की शी गेट्स गुड मार्क्स, उसे अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए। ठीक है ना, क्योंकि वह मेहनत करता है उसे अच्छे मार्क्स प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या आएगा हैंस या सिंस, सिंस आएगा क्योंकि। ठीक है सेकंड देखिए आई लाइक ईटिंग स्वीट थिंग्स, मुझे स्वीट मीठी चीज़ें खाना पसंद है, डैश आई लाइक ईटिंग आइसक्रीम। अब इसमें देखिए सिंस क्योंकि लगा के देखिए, क्योंकि मैं आइसक्रीम खाना पसंद करता हूँ, नहीं ना, इसीलिए मुझे स्वीट थिंग्स खाना पसंद है, इसीलिए हैंस आई लाइक ईटिंग आइसक्रीम, इसलिए मैं आइसक्रीम खाना पसंद करता हूँ, मुझे आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या आएगा हैंस। ओके इस तरीके से आपने एक्सरसाइज करनी है इसकी। नाउ ओपन वर्कशीट 17 होल वर्ड्स की एक्सरसाइज है ये। राम हैज़ ए डैश पेंसिल्स इन हिज पॉकेट। राम के उसकी पॉकेट में, इनसाइड मींस के अंदर, सीन मींस देखना, ज्वाइन मींस जोड़ना, फ्यू मींस कुछ, विनिंग मींस जीतना, शुड मींस चाहिए, अबाउट मींस के बारे में। तो इसमें क्या आएगा राम हैज़ अ कुछ पेंसिल, उसके पॉकेट में कुछ पेंसिल्स है, तो क्या आना चाहिए इनमें से फ्यू। ठीक है तो ऐसे आपने ये एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट देखिए रीड द स्टोरी फ्रॉम SR7। SR7 में से आपने स्टोरी रीड करनी है। मैजिक ई के वर्ड्स दिए हुए, उसमें स्टैंजा गिवन है, उसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस करने हैं। ओके नेक्स्ट ओपन वर्कशीट 19। करेक्ट एडवर्ब फील करने हैं। देखिए ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, मैं लगभग काम कर चुका हूँ। जैसे ईजली मीन्स बहुत आसानी से, हार्डली मीन्स बहुत मुश्किल से, कभी कभी रेयर से बोलते हैं, कभी कभी बहुत मुश्किल से। सिंस मीन्स क्योंकि, बता चुकी हूँ पहले मैं। डैश वी हैड हॉलीडेज वी डिसाइडेड टू गो ऑन ट्रिप। तो यहाँ पे क्या आएगा क्योंकि हमारी छुट्टियाँ थी, हमने ट्रिप पर जाने का डिसाइड किया, सिंस आएगा यहाँ पे। ऐसे ही आपने नेक्स्ट पार्ट करने हैं। नेक्स्ट देखिए हैंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, हैंस इज इसलिए, वेरी मीन्स बहुत, क्विकली मीन्स एट ए वेरी हाई स्पीड, क्विकली जल्दी जल्दी, लाउडली बहुत जोर से शोर से, स्लोली एट ए स्लो स्पीड बहुत धीरे धीरे। तो इसके ये भी आपने स्टैंजा जो दिया हुआ है इसमें से आपने सेंटेंस वर्ड्स चूज करके ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। ओके तो डू दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।